तो इस दिवाली आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स से आप खरीदारी ना करें और धर्मवीर भाई की दुकान पे आएं और डिस्काउंट पाएं। हे जी नमस्कार, धनतेरस के शुभ अवसर पे आज मैं आया हूँ आपको मेरठ की फेमस मार्केट में लेके, जो कि आज़ाद नगर में लगी हुई है। और दिखाता हूँ मैं आज़ाद नगर की फेमस मार्केट। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने बहुत ही सुंदर तरीके से दुकान डेकोरेट कर रखी है और वहाँ पे आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यानी कि घर में डेकोरेशन करने के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर आपको दीवे मिल जाएंगे, मूर्तियाँ मिल जाएंगी और बहुत सारी झालर वगैरह इत्यादि यहाँ पे आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज़ाद नगर की बहुत ही सुंदर और बढ़िया दुकान। आपको जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा है धर्मवीर, इसने पूरी की पूरी दुकान डेकोरेट कर रखी है और बहुत ही सुंदर तरीके से। तो ये दुकान आपने डेकोरेट की है या आपके भाई ने, पापा ने, किसने? मैंने करी है। अच्छा, यानी कि आपने दुकान डेकोरेट करी है। तो सुंदर तरीके से दुकान डेकोरेट कर रखी है और यहाँ पे आपको दीपावली के लिए हर चीज़ मिल जाएगी, यानी कि घर में डेकोरेशन करने के लिए आपको बहुत ही सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे आपको यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जो कि एक कलरफुल में है और एक सिल्वर में है। तो कितने कितने की मूर्तियाँ ये? ये वाली आपको 170 में मिल जाएगी। अच्छा, ये वाली 170 की है और ये वाली आपको 150 में मिल जाएगी। और ये वाली 150, यानी कि 150 रुपीज़ में। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी मूर्तियाँ हैं, 170 रुपये कलरफुल वाली है और जो सिल्वर कलर में है वो 150 की है। और इधर की तरफ आप देखेंगे ये कछुए मिल जाएंगे। कछुए कितने कितने के हैं ये? 50 के हैं। 50 रुपये कछुए। अच्छा, और ये दीवे हैं जो कलरफुल वाले दीवे कितने कितने के हैं? ये आपको 10 रुपये मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन के हैं। देखो, अच्छा 10 रुपये का एक दीवा है और अलग अलग डिजाइन में मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। है इधर आप देखेंगे रंगोली के लिए आपको कलर मिल जाएंगे, यानी कि ये 50 रुपये का पैकेट है। और इधर देखेंगे ये जो पैकेट है पूरा, ये 70 रुपये का पैकेट है। और इधर की तरफ देखेंगे शुभ दीपावली के लिए आपको यहाँ पे लड़ियाँ मिल जाएंगी और इधर की तरफ दीवे मिल जाएंगे जो कि कलरफुल दीवे हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और ये आपको 10-10 रुपये में मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और इधर की तरफ देखेंगे तो ये झालर हैं, झालर कितने कितने की है भैया ये? 120 रुपये की। और ये झालर आपको 120 रुपये मिल जाएगी, यानी कि 120 रुपीज़ में मिल जाएंगी। और इधर देखेंगे कलश और आम के पत्ते वाली झालर है, ये कितने की होगी? ये भी 120। अच्छा, ये भी 120 रुपये की, यानी कि 120 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। और इधर देखेंगे ये काफ़ी कलरफुल है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, ये कितने की? ये 125। ये 125 रुपये की मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी यहाँ पे आपको वैरायटियाँ मिल जाएंगी जो कि आप देख रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो कितने कितने की हैं ये मूर्तियाँ? ये वाली है 35 रुपये की। अच्छा, ये वाली 35 रुपये की है और इसके, अच्छा ये छोटी वाली 25 रुपये की। हाँ, ये 30 की है। हनुमान जी और हनुमान जी की 30 रुपये की मूर्तियाँ हैं। और इसके नीचे आएंगे तो ये लक्ष्मी गणेश जी की है 50 की। अच्छा, ये लक्ष्मी गणेश जी की थोड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, 50 रुपये की मिल जाएंगी। ये 45 की है। अच्छा, ये 45 रुपये की, यानी 45 रुपीज़ की है। ये आपको मिलेगी 60 रुपये की। और ये 60 रुपये की। और इसके नीचे की तरफ ये 40-40 रुपये के सारे। अच्छा, ये जो लाइन से सीरीज में लगे हुए हैं 40-40 रुपये की, यानी कि 14 रुपीज़ की है। और इसके नीचे ये हैं आपके 45 रुपये के। ये 45 रुपये की मिल जाएंगी। और इससे नीचे वाली है? ये वाली है 50 की। अच्छा, ये वाली 50 रुपये की मिल जाएगी। ये 60 की है। ये 60 की है। ये 65 की है। ये 65 की है। अच्छा, और इधर ये मूर्तियाँ हैं, ये वाली आपकी 70 रुपये की है। ये 70 रुपये की है, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है ये और 70 रुपये की मिल जाएगी आपको। और इधर यहाँ पे 40 रुपये की वाली है। और छोटी मूर्तियाँ इधर आपको 40 रुपये की मिल जाएंगी। और ये हनुमान जी की बड़ी वाली मूर्ति कितने की है? ये 150 रुपये की है। 150 रुपये की, यानी कि 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। और काली माता की मूर्ति जो है ये 220, ये 200 रुपये की मिल जाएंगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटियाँ मिल जाएगी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे जो कि आपको रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जो कि आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगी। और धर्मवीर भाई की दुकान पर आएँ और डिस्काउंट पाएँ। तो कितने कितने के दिए? ये आपको 20 के 25 मिल जाएंगे। ये वाले 20 के 25 मिल जाएंगे। और वो जो बड़े वाले दीवे हैं वो कितने के? ये आपको 10 का मिल जाएगा। ये वाला दीवा 10 रुपये का एक है। और ये कलरफुल दीवे हैं ये 10 का मिल जाएगा। ये वाला है 10 रुपये का। और ये इसके अलावा कच्ची मिट्टी का है 10 रुपये का। अच्छा, कच्ची मिट्टी का है ये 10 रुपये का है। हाँ, ये वाले कितने के दिए? ये 10 का। ये 10 रुपये का एक है। तो यानी कि ये जो है 10-10 रुपये के आपको मिल जाएंगे दीवे, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर। और इधर कलरफुल दीवे जो मिल जाएंगे ये भी 10 रुपये का है। और ये बड़ा दीवा है वो 10 रुपये का। और ये छोटे वाले दीवे आपको 20 रुपये के 25 मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो धर्मवीर भाई की दुकान पे आए और यहाँ से खरीद के ले जाएँ। देखेंगे लक्ष्मी जी के आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे। तो स्टिकर कितने कितने के दिए? ये वाला 20 का आएगा। ये वाला 20 रुपये का है।
और ये जो है इधर की तरफ स्वागतम वेलकम वाला है, ये 20 रुपये का है। अच्छा ये भी 20 रुपये का है, और इसके नीचे ये भी 20 का है, और ये शुभ दीपावली वाला कितने का है, ये 20 का है, ये भी 20 रुपये का है। तो यानी कि सारे के सारे इधर की तरफ जो है 20-20 रुपये के हैं, और ये इधर वाला शुभ दीपावली का जो लिखा हुआ है, अच्छा ये 25 रुपये का है, और इधर ये शुभ दीपावली ये 15 रुपये के मिल जाएंगे आपको। तो इस दिवाली आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े शॉपिंग्स मॉल कॉम्प्लेक्स से आप ख़रीदारी ना करें, और ख़रीदारी करनी है तो ऐसी छोटी छोटी दुकानों से ख़रीदारी करें, जिससे कि होगा क्या, इन लोगों की दीपावली बनेगी और आप लोगों की दीपावली बनेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके के ब्लॉग आते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।